सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम। एक बार थोड़ी सी तालियां हो जाए एनर्जाइज करने के लिए। यस, तो हमने अब डिस्कशन किया था कि सीआरएम करके हम किस प्रकार से अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप लोग जो ऑलरेडी कर रहे थे उसको हम लोगों ने और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम लोगों ने सोचा था। आपको आई बात समझ में? तो अब हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं। क्या आप रोज एक पॉलिसी कर रहे हो मेडिक्लेम का? किसका, कौन कर रहा है एक रोज एक पॉलिसी? हाथ उठाना किसने? रोज एक नहीं होता है, होता है बीस होता है। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपका एक दिन में दो तीन भी होना चाहिए। तो आज अब अपना प्रॉब्लम हम कहां पर फेस कर रहे हैं कि हम पॉलिसी बेच ही नहीं रहे। पहली बात, आप बेच रहे हो? नहीं। आप, यदि मैं गिरा से सबको छोड़ दूं तो बाकी सब लोगों का, मुझे ऐसे लगता है कि सामने से कोई आया तो ही हम पॉलिसी कर रहे हैं। सही है। हम अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूं। आप क्या कर रहे हैं बताइए, व्हाट यू आर डूइंग? आपको रोज एक मेडिक्लेम पॉलिसी होए या महीने में पांच होए, समझो एक एग्जांपल लेते हैं, पांच, आपको ओवरडोज नहीं हो जाए, पांच पॉलिसी महीने का अपना हर बार होना चाहिए, इसके लिए आप क्या काम कर रहे हो? प्लीज शेयर कीजिए, आप मेरे को बताइए। आप कमन, सोशल मीडिया से आता है पॉलिसी, पांच पॉलिसी महीने का आपको? देखो ये विजिबिलिटी के लिए जरूरी है। अभी देखो सोशल मीडिया पे, समझो आपने फेसबुक पे कोई चीज डाला है तो एक आदमी के हजार फ्रेंड है, हो सकता है उसमें से पांच एजेंट निकलेंगे और वो पांचों से पूछेगा। इसके लिए मैंने आपको सीआरएम का इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाया था कि भी सीआरएम का इंपॉर्टेंस क्या है। मेरा प्रश्न वापस से ये है, आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? चलो ठीक है, आप एक पॉलिसी करने के लिए भी क्या एफर्ट्स कर रहे हो बताओ? 30 पॉलिसी तो अभी दूर दूर की बात है, पांच पॉलिसी के लिए भी एफर्ट्स थोड़ा सा कम था। एक पॉलिसी समझो आज हमको सेल करना है और एक कल करना है, तो आप उसके लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं बताइए, बी फ्रैंक, कम ऑन। सर कम से कम जो हमारे पहले से लाइन में कुछ कस्टमर हैं उनको मैं फोन करके बात करूं। वो कस्टमर नहीं, वो प्रोस्पेक्ट है आपके? प्रोस्पेक्ट, कितने प्रोस्पेक्ट हैं आपके पास में मेडिक्लेम के लिए? मेडिक्लेम के लिए जो अभी कम से कम 50 प्रोस्पेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आप उनको कॉल करें और बताइए और क्या कर रहे हैं आप? शंभू जी आप क्या करते हो बताओ? जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं उसको, आप बोलते हो कि सामने से कस्टमर का इंतजार करते हो कि मेरे को पॉलिसी लेना है, क्या करते हो आप एग्जैक्टली बताइए ना, आपका काम करने का क्या तरीका है, आपका क्या सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, किस तरह से आप बात कर रहे हैं? देखो सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले वाले सेशन में भी मैंने आपसे पूछा था, इस सेशन में भी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप कुछ कर रहे हो दूसरे को उसका फायदा हो सकता है, आप कुछ कर रहे हो बाकी सबको भी फायदा हो सकता है। सर पहले हमने देखा कस्टमर रिलेशनशिप है, हाँ, तो उसमें से हमें रिलेशन तो हो गया सबसे, तो हमने ये सेशन में बात करना है सामने से कस्टमर को कि भाई उनका मेडिकल पॉलिसी है, अगर है तो कौन से कंपनी, अगर वो कंपनी तो उधर से प्रोसेस से, जैसे यादव जी ने बताया कि प्रोस्पेक्ट उनके लिए, तो वो पहले लिस्ट में जो प्रोस्पेक्ट है वो तो पॉलिसी के लिए कॉल करेंगे, और जो प्रोस्पेक्ट में वापस कस्टमर लाने के लिए वो जो कस्टमर रिलेशनशिप हमारा है वहाँ से प्रोस्पेक्ट लाएंगे तो वो आगे। हाँ ये मतलब ये बात तो क्लियर हो गया, सीआरएम स्ट्रांग है तो आपको रेफरेंस आएंगे, मैंने वही आपको समझाया था, आउटबाउंड के बदले इनबाउंड अपना बिजनेस हो ऐसा आपने वो करना है। बराबर है, आपकी बात सही है कि हमें लोगों से बोलना पड़ेगा। और क्या आपका सिस्टम क्या है, आप डेली क्या काम करते हो? देखो पार्ट टाइम आदमी भी रोज एक पॉलिसी कर सकता है, ये मेरे से आप लिख के ले लो जरूर। LIC जिसको मतलब किया उसको मेडिक्लेम है कि नहीं पूछते उससे दे सकते। LIC आप महीने का कितना करते हो? 10 से 15। तो आप 10 से 15 लोगों की बात करोगे, उसमें से एक या दो लेगा तो आपका महीने का एक या दो पॉलिसी हुआ। बराबर ना, एफर्ट्स मैं हमेशा कहता हूं आपके जितना एफर्ट्स आप करोगे उतना परिणाम आपको मिलने वाला है। आप जीरो एफर्ट करोगे आपका महीने भर में जीरो पॉलिसी होएगा, आपने इतना सा किया एक आध पॉलिसी होगा, इतना एफर्ट किया आपका इतना पॉलिसी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका क्या सिस्टम है,
आप किस सिस्टम से काम करते हो बताओ, क्या करते आप, करते क्या है बेसिकली बिजनेस के लिए, मेडिक्लेम पॉलिसी करने के लिए? फ्रेंकली कम ऑन ना, क्या काम करते बताइए ना आप, गृहस्थ आप बताओ क्या करते हो आप? आप 20 पॉलिसी एवरेज महीने का सेल कर रहे हैं, आप क्या काम करते हैं ताकि आपका 20 पॉलिसी सेल होता है? क्योंकि आपका नेक्स्ट टारगेट है 30 पॉलिसी महीने का सेल करना। मैं तो क्या, मैं जिधर खड़ा होगा ना उधर पॉलिसी बेचने का सोचता हूँ, सच में किधर भी खड़ा कर दो मुझे, उसको तो पहले पूरी हिस्ट्री पूछ लेता हूँ, और मेडिक्लेम भी होगा तो उसको मैं पूछता हूँ, मेडिक्लेम है तो फिर मुझे देखना है आपका मेडिक्लेम, फिर वो मेडिक्लेम देख के उसको कैसा अपने, देखो अपने को अपना बिजनेस तो करना है लेकिन साथ में पार्टी का लॉस भी नहीं करना है, मेरा पहला थिंकिंग है। पोर्टेबिलिटी हो सकता है, वो प्रोडक्ट में क्या है, अपने प्रोडक्ट में क्या है, ये सब जब आप बताओगे तो ऑटोमेटिक आपकी पॉलिसी कन्वर्शन बढ़ जाता है, भले वो नहीं लेगा लेकिन वो क्या बोलता है, गिरा साहब आके बोल के गए ऐसा ऐसा पॉलिसी है, ऐसा अच्छा प्रोडक्ट है तो आप हमारे पास से ले लो। और आप ये जो अपनी बात चल रही है इसमें सिलेक्शन ऑफ कस्टमर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किसको क्या बेचना है आपका माइंड काम करता है उधर इमीडिएट जगह, किसकी कैपेसिटी कितनी है, नहीं तो आप क्या करोगे, कैपेसिटी 10,000 की और आप बोलेंगे लाख का प्रीमियम ले तो वो कभी लेने वाला नहीं है, फिर वो 10,000 दूसरे के पास लेके चला जाएगा। इसलिए मैं तो क्या करता हूँ कंटिन्यू, मैं दिन भर में मैं जितने लोगों को मिलेगा ना उसको तो कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ, इंश्योरेंस बोलो, मेडिक्लेम बोलो, या नहीं लिया कुछ प्रॉब्लम्स है सॉल्व कैसा करना है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद बिजनेस आता है, इमीडिएट बिजनेस आता नहीं, आप बोलोगे मैं गया और मुझे पॉलिसी दो, पॉलिसी मिलने वाला नहीं। इनका सिस्टम है हर किसी से बात करो, बैठिए सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, ठीक है। इनके सिस्टम के हिसाब से क्या आप सबको बोल रहे हो क्या, पहली बात, पहला क्वेश्चन ये, हाँ बोले ना, आप शेयर करो आपकी बात कि भाई आप क्या कर रहे हैं। अभी जो पहले काम करता था ना वैसा काम अभी मैं चालू करूंगा, मतलब क्या होता है कभी कभी कंफर्ट जोन आ जाता है ना, लेकिन एग्रेसिव मार्केटिंग हम नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं सामने आया तो उसको पूछेंगे देंगे, ऐसा नहीं, एग्रेसिव मार्केटिंग करना चाहिए हमने, कि एक आधे को पकड़ा तो हम छोड़ते तो नहीं उसको, लेकिन पकड़ने के लिए हमको ट्राई करना पड़ेगा ना, मतलब बराबर बिल्कुल सही बात है, सबने एग्रेसिव मार्केटिंग, देखो क्या होता है अभी एरोप्लेन कितना भागता है, लेकिन एक बार रॉकेट को पूछा तू रॉकेट क्यों भाग रहा भाई ज़्यादा, वो बोले जिसके पीछे आग लगती है ना भागना पड़ता है, तो हमारे पास आग लगने दो, हमें आग नहीं लगी है, तो आग लगने के लिए अपने को ना एफर्ट्स करना पड़ेगा। yes. मैं पहले पार्ट टाइम था ना, महीने का 30 पॉलिसी करता था पार्ट टाइम होके भी, एक महीने मैंने 100 पॉलिसी किया था पार्ट टाइम जब कॉल देखा, तो उस टाइम आग लगी थी एकदम, ऐसी आग लग जाएगी ना, धंधा तो मिलता है लेकिन क्या है अभी थोड़ा सा, अभी हमारा 60 ऐसा लगता है कभी कभी 60 हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 के बाद कंफर्ट जोन आ जाता है कभी कभी, लेकिन सब आने मत दो ऐसा, क्यों धंधा है मार्केट में, दो धंधा है। उदय सर आपकी बात एकदम टोटली अलग है, जैसे अभी मैं यहाँ पे बात करूँ संदीप का केस अलग है, प्रीतम का अलग है, सबका केस अलग है, अभी वो लोग यंग एज में है, अभी आपने क्या किया, आपके पास में पेंशन इनकम भी आ रहा है, आपके पास में आपका अच्छा बिल्ट हो गया, आपके बच्चे भी काम कर, इसके लिए आपको कम्फर्ट जोन आ रहा है, छोड़ दो, लेकिन क्या है हमको काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कम से कम 20 पॉलिसी करना चाहिए, जैसे अभी गिराज साहब, अभी गिराज साहब इतना दौड़ता है ना, एक मेरे को कल बोला एक एजेंट, वो कोणता गाँव वाजगाव क्या कोणता गाँव है तुमच्या तिकडे, खारेखुरण, खारेखुरण है ना तुमच्याकडे बाजूला, हां त्या कुठे पालघर जिकडे मनोज पाडेकर, तो बोलतो आहे मी तिथं जाऊ शकत नाही, तिथं गिराज साहेब गेले जाऊन पॉलिसी आणली, मी म्हटलं तो का माणूस वेगळा आहे, तर काय माहिती आपल्याला दौडा लागेल, काम करावं लागेल, असं एका ठिकाणी बसून आपला एवढाच एरिया आणि इथंच काम करायचं तर काम होणार नाही आहे, आपल्याला लांब पण जावं लागेल, कुठे जवळ जावं लागेल, पण काम करण्यासाठी हार्डवर्क करावं लागेल। अभी ना क्या हो गया है कि आप कंफर्ट जोन में आ रहे हो, चलो आपका नहीं, मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूं अभी भी, बैठिए नहीं हूं कंफर्ट जोन में, मैं करूंगा, ही हैज कम आउट ऑफ द, देखो हे तर यंगच 16 दिसता येते, मॅडम तुम्ही सांगितलं मी 36 एज आहे, 60 - 24 माझं 24 वर्ष जे वर्किंग कॉलेजचं वय सोडून द्यायचं, 60 - 24 माय इज 36। यस, तो अभी है ना, देखिए अभी जैसे राकेश है, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आपके पास में जॉब का पैसा आ रहा है, बाजीराव है, आप भी पार्ट टाइम कर रहे हो, पांडे जी का वहाँ पे ये काउंटर है और आपको इनकम आ रहा है, आप भी कर रहे हो बिजनेस, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हम अपना काम कर रहे हैं क्या? भाई आप है ना, आपने यदि समझो पार्ट टाइम करके भी या फुल टाइम करके भी आप यदि इस बिजनेस में हो, तो आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया तो ये क्यों किया आपने स्टार्ट, क्योंकि आपको इनकम जनरेट करना है, आपको क्या लगा
कि भी मैं नौकरी करूंगा तो मेरा उतना ही इनकम आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे एडिशनल मेहनत करूंगा तो मेरा इनकम ज़्यादा होगा। एक बार अकबर ने बीरबल को, मतलब वो लोग बैठे थे मंत्री लोग नवरत्न, एक ऐसे लाइन खींचा, बोला देख नीचे रेत में, बोला देख हाथ नहीं लगाने का, इस लाइन को बड़ा करके दिखाओ। 8 रत्न तो फेल हो गए, बीरबल का नंबर आया, बीरबल ने उसके बाजू में दूसरा लाइन खींच दिया। आपने इस बिजनेस में आए क्योंकि आपको दूसरा लाइन खींचना था। आपको दूसरा लाइन क्या खींचना था कि आपका जो इनकम है उससे ज़्यादा इनकम आपको यहाँ पे करना है, लेकिन आपके बैठे बैठे आपका इनकम होने वाला नहीं है, इसके लिए आपको एफर्ट्स करने होते हैं। मेरा प्रश्न यही था कि आप एफर्ट्स क्या करते हो, आप नौकरी कर रहे हो या आप यदि सेटिस्फाइड हो, आप कंफर्ट जोन में हो तो आप कंफर्ट जोन में क्यों हो, आपका इनकम क्या सफिशियंट है, आप क्या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर पा रहे हो क्या आपने उस इनकम पे? आपने जो सोचा था कि मैं एक बड़ी लाइन यहाँ पे पार्ट टाइम करके खड़ी कर दूंगा, वो आपने कर रहे हो क्या? इस दुनिया में सफल वो होता है जो अपने सिस्टम को बनाता है। मैकडोनल्ड के आज कम से कम 1,00,000 दुकानें हैं, मैक भी जिंदा नहीं है, डोनल्ड भी जिंदा नहीं है, लेकिन उनका 1,00,000 दुकानें अभी भी चल रही है और रोज कम से कम एक हफ्ते में एक उनका काउंटर बढ़ता है। आप समझ रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में एक दुकान उनका नया खुलता है, एक वीक में एक दुकान। क्यों? सिस्टम ऐसा बना है कि वो ऑटोमेटिक काम चल रहा है। जबकि वड़ा पाव का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है बर्गर से, लेकिन उसका सिस्टम उसने ऐसा बनाया कि आप यदि जाओगे तो आपको वहां पे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आप उसको खाओगे, एक बार खाओगे बार बार खाओगे, इतनी डिमांड क्रिएट होती है। बराबर है ना? तो आप अपना कुछ ऐसा सिस्टम बनाए हो क्या काम करने का? जो काम हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं क्या? क्या आप कर रहे हो? रुचिता मैडम आप बताइए, आप मेडिक्लेम का बिजनेस करने के लिए आप क्या काम करते हो? जो मेरे एलआईसी के कस्टमर या कोई पोस्ट के कस्टमर है उनमें से देखती हूँ कि कौन ले सकता है, प्रीमियम भर सकता है, किसको इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है उनको भी कभी कभी कॉल करके एक ले लो करके बोलते हैं। शंभु जी आप क्या करते हो? मेरा जो एलआईसी कस्टमर है या जो ले चुका है उसके थ्रू रेफरेंस भी लेता हूँ। प्रीतम आप क्या करते हो? कितने रेफरेंस आपके पास में हर महीने जनरेट होते हैं? ज्यादा नहीं होते सर, 15-20 होते हैं। राकेश जी आप क्या काम करते हैं? मैं अननेसेसरी कॉल करता हूं, जितने भी जो दोस्त हैं पहचान वाले हैं उनको कॉल करता हूं, उनसे रेफरेंस मांगने की कोशिश करता हूं, उनका हालचाल पूछता हूं क्या हालचाल है कि उनको काम करें। पंडित जी आपका बताओ कि भी मेरे को रोज एक पॉलिसी आए इसमें तो आप क्या काम कर रहे हैं? लोगों का कांटेक्ट में रहना। प्रशांत का बताएगा, प्रशांत क्या काम करते हैं? ये आप है ना संदीप, आप बताओ आप क्या करते हो? मेडिक्लेम का इम्पोर्टेंस समझाता हूँ, क्यों होना चाहिए, कितने लोगों को आप डेली समझा लेते हो? एक दो से ऐसा बात होता है, सिर्फ क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। प्रीति मैडम आप बताओ। सर मैं ना प्रैक्टिकली आजकल जो बाहर चल रहा है ना हॉस्पिटल में सबके प्रॉब्लम्स जो बिल्स, मैं एक्चुअली वो ज़्यादा करके शेयर करती हूँ लोगों से बात करते कि क्या फैक्ट चल रहा है बाहर और आपके पास क्या है क्या नहीं है। संदीप वही ये कोरोना की वजह से जितना भी प्रॉब्लम हुआ और मेडिकल क्लेम की ज़रूरत क्या है उसका ऐसा सर पार्टी को दे दो, मेरे कॉन्टेक्ट में जितने भी है तो इस हिसाब से वो सामने से पॉलिसी आ रही है। गौरव तुम क्या करते हो? देखिए आपने यदि कोरोना के टाइम में यदि आपने बिजनेस ज़्यादा किया ना तो मैं एक बात बताऊं आपको, कोरोना के कारण आपका बिजनेस नहीं हुआ, आपने आप उस वक्त एक्टिव हो गए थे इसके लिए आपका बिजनेस आया। आप ये समझ लो, यदि देखो जो आदमी एक्टिव हुआ उसी को बिजनेस मिला है। आप अपने पास में यदि समझो यहाँ पर 100 लोग हैं बोईसर टीम में तो उसमें से मेरे ख्याल से 30 लोगों ने अपना काम किया, बाकी 70 लोगों ने नहीं किया। यदि कोरोना के कारण ही बिजनेस होना होता तो बाकी 70 लोग भी 4-5 पॉलिसी बेचते थे। तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि कोरोना के कारण आपका बिजनेस हुआ है, आपका बिजनेस हुआ आपके प्रोएक्टिव होने के कारण, आपने जो एक्टिविटी की उस दौरान उसके कारण आपको बिजनेस मिला। एग्री करते हैं आप इस बात को? जी
हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि अपना बिजनेस कम हो गया। क्यों कम हो गया बाद में बिजनेस? भाई गिरा साहब ने एक महीने में 5 लाख रुपया किया, 7 लाख रुपया एक महीने में किया। उस वक्त इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो बहुत हाई था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा इसको भी कर दूंगा। फिर बाद में अगले महीने में इनका 2 लाख हो गया, इस महीने में 1 लाख हो गया। आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उस मंथ में आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, आप एकदम सिस्टम से काम कर रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था मेरे को मिलेगा बिजनेस। अब यदि हम सिस्टम से काम करें तो अब अपने को नहीं मिलेगा क्या बिजनेस? इंक्वायरी भी ज्यादा, देखो इंक्वायरी है ना, आप एक्टिव थे इसके लिए आपका वाइब्रेशन यहां से जा रहा था, अरे यार अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे को बिजनेस करना है, इसके लिए आपको इंक्वायरी आ रही थी। आप यदि नहीं आए किसी को, सर उसमें एक और फायदा ये होता था आपका जो डेली का जो 1 घंटा मिलता था तो उसके बाद अपन जो 10 आदमी को फोन करने का या ये करने का वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा उसी के ऊपर फोकस होता था। सबसे बड़ा रोल आपका सबसे ज्यादा कि आप 1 घंटा जो डेली जो ट्रेनिंग लेते थे तो उसके बाद फिर दिमाग में अभी क्या था, उस वक्त तो मैं ले लेता था ट्रेनिंग क्योंकि आप घर पे बैठे थे। अब मैं बोलूंगा रोज आओ तो नहीं आएंगे, अभी यहाँ पे भी 5-6 जन नहीं आए ना जिन्होंने हाँ बोला था। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि क्या वो सिस्टम आप डेली नहीं फॉलो कर सकते? क्या मैंने आपको 1 महीने के लिए वो सिस्टम सिखाया था? मैंने 1 महीने के लिए सिखाया था क्या कि अभी आप कर लो, मैं मीटिंग लूंगा तो ही आप करो, मेरे मीटिंग करने के बाद में ही 10 कॉल करो नहीं तो मत करो। अभी आप फील्ड पे निकलने लग गए हो ना, अभी भी है ना। मेरा वापस उसी बात पे आ जाता हूँ कि हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। आप देखो दुकान खोल के नहीं बैठे हो कि आपके कस्टमर आएगा बोलेगा 1 मेडिक्लासिक 5 लाख का देना, 1 यंग स्टार देना 10 लाख का, 1 PA पॉलिस, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं जब 1 पॉलिसी रोज बोलने का बात कर रहा हूँ बेचने का, यानी 30 पॉलिसी महीने का बात कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए एक बात कर रहा हूँ क्योंकि आप ये कर सकते हो। आई बात समझ में? आप कर सकते हो, गॉट इट? लेकिन उसके लिए क्या करना है ये मेरे को बताओ। अभी भी आप है ना बेसिक्स पे नहीं आ रहे हो, आप बेसिक्स को समझ नहीं रहे हो। इन्होंने बोला मैंने 10x10x10 बोला तो मैंने 10x10x10 किया था, इसके लिए मेरे को वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस मिल गया, लेकिन अब नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं 10x10x10 नहीं कर रहा हूँ। जो काम आपको करना चाहिए पाते साहब, जो काम आपको करना चाहिए वो काम आप नहीं कर रहे हो और बाकी के सारे काम आप कर रहे हो। एक दुकानदार है, डीमार्ट है समझ लो, आपका डीमार्ट का ले दो, डीमार्ट का मालिक वहां पे बैठता है क्या? उसका आदमी ऐसा करता है कि अरे यार मेरा मूड नहीं है, सोने का है मेरे को, और मैं आज दुकान खोलने के लिए नहीं जाएगा, बाकी स्टाफ को व्हाट्सअप कर दिया आज ये नका। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। नहीं यार, छोटा किराना वाला भी है। अभी आप अपने दुकान को क्या 2-4 दिन बंद करके जाते हो? है ना, अभी आपका यदि शॉप है, आप बैटरी बेचते हो तो आपका शॉप रोज खुलेगा। आप यदि आपके पास में कोई इंक्वायरी आए तो वो भी आपका फुलफिल होगा ना, वो आपने सिस्टम बना रखा है। आप अपने इस बिजनेस के लिए क्या सिस्टम बना सकते हो? आपको चलो अभी ये सब भूल जाओ, चलो हम एकदम बेसिक्स पे आ जाते हैं। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन सा एक्टिविटी एकदम प्राइमरी है जो सबसे पहले आपको करना जरूरी है? सबसे जरूरी है वो है प्रोस्पेक्टिंग। आपका प्रोस्पेक्ट कौन हो सकता है? आदमी है तो प्रोस्पेक्ट क्यों? हर आदमी प्रोस्पेक्ट है आपके लिए। तो क्या आपके पास में हर आदमी का नाम लिखा हुआ है क्या? आपके यहां पे है, आप इसके भरोसे मत रहो, ये आपको धोखा देगा। आपको कस्टमर ने बुलाया था कि शुक्रवार को मेरे पास पॉलिसी बेचने के लिए आना, आप शुक्रवार को भूल गए, आपको 1 महीने के बाद याद आता है, अरे यार वो मेरे को उसने मेडिक्लेम के लिए बुलाया था, मैं तो भीतर विसर लो, आता फोन केला, अरे मैं काडली रे, तो तुमचा दूसरा एजेंट है ना त्याच्याकडे, हो जाता है। आप इसके भरोसे रहते हो, आपको रहता है मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मैंने बचपन में मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत बादाम खिलाए हैं, इसके लिए मेरी याददाश्त एकदम सुपर स्ट्रांग याददाश्त है। इसके लिए हम दिमाग के भरोसे रहते हैं, याददाश्त के भरोसे रहते हैं, और जो टाइम पे अपने को भूल जाता है। आप देखो ना आजकल क्या है, इतना आप ज़्यादा इंगेज हो, आपको इमीडिएटली जो काम करना है आप भूल जाओगे। आप क्या करोगे, आपको एक कॉल करने का, आपने फ़ोन उठाया कि मैं उसको कॉल करता हूँ, लेकिन देखा यार ये 4-5 व्हाट्सएप आए हुए, वो देखने के लिए क्या उसके अंदर एक लिंक आया था कोई वीडियो का, मित्रांनी पाठवला होता एक वीडियो तो बघायला गेला,
कॉल विसरू दे लो नहीं वो वीडियो देखा चला हाँ उसको दस लोगों को याद कर रहे थे नहीं वो तो भूल ही चुके हो आप वो आपको जो काम करना था वो भूल गए क्या है ये सी आपके पास में ना भटकाने वाली चीजें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है यू हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेशन आप ये जो चीजें आपको भटकाती है ना वो तो करो ही मत आप दिन में कभी वीडियोस मत देखो आप डाउनलोड्स जो होते हैं ना वो आप बंद करके रखो डाउनलोड्स बंद करके रखो कि भी मेरा है ना ये जब नेट चालू रहेगा तो डाउनलोड नहीं होना चाहिए वाईफाई में गया तो मेरा ये चालू हो जाए सेटिंग है आपके अंदर ऑटो डाउनलोड बंद होता है हाँ ऑटो डाउनलोड बंद होता है ना आप ऑटो डाउनलोड बंद करो आपके इसमें जितने भी नोटिफिकेशंस है ना आप सेटिंग में जाके नोटिफिकेशंस बंद कर दो आप समझे ना नोटिफिकेशंस ऑन रखो ही मत तो उससे क्या होगा आपको जब वो चीज का याद आएगा तब आप जाओगे आपको भटकने का चांस कम हो गया आपके यहाँ पे फेसबुक में एक साथ में हज़ार नोटिफिकेशन दिखते हैं आपने क्लिक किया तो देखने लग गए आप वो सब ऑफ कर दो ऑटो ऑफ कि भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए अब मैंने ये जब ये घड़ी मेरे को यज्ञ ने ला के दिया तो मैं उसने सेटिंग करके दिया मैं तो परेशान हो गया बोला सर एक एक मिनट में नोटिफिकेशन मैं बोला यार ये क्या है यज्ञ बोले तो आपको मालूम पड़ेगा ना मैं गया सेटिंग में जाके सब नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया अब इसमें खाली कॉल का आता है व्हाट्सएप का भी नोटिफिकेशन नहीं एसएमएस का भी नहीं मेल का भी नहीं या कोई भी उसका भी नहीं खाली कॉल का आएगा ट्र क्योंकि मैं हमेशा से आपको मालूम है मैं उसको साइलेंट पे रखता हूँ फ़ोन को तो इससे मेरे को यहाँ पे वाइब्रेशन हाँ कॉल आया वो तो अपने को रिसीव करना है अब बात समझ गए ना डिस्ट्रैक्शन वाले कामों को बंद कर दो जो आपको भटका रहा है जो चीज़ें आपको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकती है सिर्फ वही काम करो आई बात समझ में क्लियर आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले चाहिए प्रोस्पेक्टिंग आपके पास में रिटर्न प्रोस्पेक्ट या एक प्रोस्पेक्टिंग का बुक होना बहुत जरूरी है नहीं तो आपका काम नहीं होने वाला है आप समझ गए आपके पास में रिटर्न होने चाहिए मैं आज भी कहूँ ना मैंने एक वर्कशॉप किया था बिग बॉस करके अभी थोड़े दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा वो वर्कशॉप में मैंने बाकायदा बिठा के मैंने प्रोस्पेक्टिंग कराया मतलब 25 कॉल अभी का भी 25 प्रोस्पेक्टिंग करना है फिर उसके बाद में मैंने उनको कॉल कराया हर किसी को एक एक अपॉइंटमेंट कम से कम मिला वर्कशॉप में मैंने जब किया ना एवरीवन गॉट अपॉइंटमेंट तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके पास में प्रोस्पेक्टिंग नहीं था आप कॉल नहीं कर रहे थे आप अपॉइंटमेंट नहीं मांग रहे थे जब हम फोन करते हैं ना तो अपना पर्पज़ क्या होना चाहिए अपॉइंटमेंट मिले भी हमको उससे मिलने का मौका मिले ये हमारा प्राइम कॉलिंग का उद्देश्य होता है तो आप ये समझो आपको करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग बनानी पड़ेगी पूरा किताब आपको एक अलग से चाहिए उसमें दोस्तों का लिखो फैमिली मेंबर्स का लिखो रिश्तेदारों का लिखो आपके जो दूसरे लोग हैं उनका लिखो इस तरह से आप हर किसी का नाम उसके अंदर लिखो आपके पॉलिसी होल्डर का लिखो आपके मेडिक्लेम के पॉलिसी होल्डर का लिखो हर किसी का नाम लिखो आप उसमें आप हजार नाम आज का आज लिख सकते हो आपको लगता है वो मेरे से नहीं लेगा मैं पड़ोसी को तो पूछूंगा ही नहीं बाजू वाले को मैं पॉलिसी के लिए क्यों पूछूं मैं रिश्तेदार को भी नहीं पूछूंगा क्योंकि हो सकता है क्लेम रिजेक्ट हो गया तो उससे रिलेशन बिगड़ सकता है तो जब रिलेशन बिगड़ सकता है लेकिन उसको क्लेम मिल गया तो रिलेशन अच्छा ज्यादा भी हो सकता है हरी नवासन है तो आज से आपको क्या करना है इंपॉर्टेंट चीज है आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है आप यदि प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट नहीं बनाओगे ना आपका काम नहीं होने वाला है यदि आपने प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बना ली हजार नाम लिख लिया और रोज 10-5 नाम उसमें ऐड करते जा रहे हो आपका रोज एक पॉलिसी गारंटीड है आपको आज पॉलिसी क्यों आप लेके आए ना एक पॉलिसी वो पॉलिसी आपने किसका लिया कस्टमर का वो कस्टमर आपका कैसे कांटेक्ट में आया मेरे कांटेक्ट में कभी से उनको कभी से बोल रहे थे लेकिन अभी तैयार आपने उसका बीज है ना कितना दिन पहले डाला था कभी से डाला साल भर पहले डाला होगा अब जाके उसने पॉलिसी लिया बराबर है तो आपको एक पॉलिसी लेने में एक साल लग गया यदि आपने ऐसे हजार बीज डाले हुए हैं तो आपका रोज पॉलिसी नहीं आएगा क्या बताओ आपने यदि प्रोस्पेक्टिंग करके रखा है हजार लोगों को बोल के रखा है कि आप मेडिक्लेम लो मेडिक्लेम लो मेडिक्लेम लो मेरे को अपॉइंटमेंट दो मैं आके समझाता हूँ तो आपका रोज एक पॉलिसी होएगा क्लियर तो बेसिक समझ लो ये बेसिक्स के बिना काम नहीं होगा कभी भी यदि कोई MBBS करता होगा डॉक्टर करता तो उसको बेसिक्स सिखाते होंगे
कि भाई ये ऑर्गन ये होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो MBBS है तो उसको सब मालूम है। MBBS करने के लिए कोई स्टूडेंट आया उसको सब मालूम है, बेसिक से उसको यदि कुछ पढ़ा हुआ होगा तो भी वापस पढ़ाएंगे फिर बाद में, ये बेसिक क्या है, इंजेक्शन कैसे देने का है, सर्जरी तो बहुत दूर की बात है, उसको सिखाएंगे ना कि इंजेक्शन कैसे देने का है, सलाइन कैसे चढ़ाना है, वो नर्स चढ़ाने वाली है लेकिन उसको आता है, सब बेसिक्स जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आपका काम नहीं होगा, बराबर है ना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप है ना सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाओ, वो प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद आप डेली कॉल करने का सिस्टम करो, भले ही वो पड़ोसी है, भले ही उसके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, भले ही LIC पॉलिसी है या कोई दूसरा उसके पास में पॉलिसी है, तो आप उसको कॉल करो, उसको अपॉइंटमेंट मांगो, मतलब मिलने के लिए आता हूँ ना, आपका पॉलिसी है तो मैं आपका देख के मैं स्टडी करूँगा और मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि उसको भी कुछ पता नहीं है पॉलिसी के बारे में, तो अपने को डाटा मिल जाएगा, अभी इसका मई में है तो मैं अप्रैल में कॉन्टैक्ट करूँगा उसको पोर्ट करने के लिए। आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट मांगो, मीटिंग करो और मीटिंग करने के बाद आप उसको क्लोज करो। मैंने एक सिस्टम बनाया टास्क का, ये मेरा बैग है ना उसमें से कुछ पेपर्स हैं, देखो एक थप्पी है यहाँ पे रखा है ना, वो निकाल के दीजिए। मैं आपके साथ में वो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप उसको खुद कर सकते हो, ये दे दीजिए ना, बुझे सब लोग सबको दे दो।